सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को दबाइए और हॉरीवन की एक भी वीडियो मिस ना करिए। कुछ दिनों पहले रिलीज हुई मूवी द नन के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे और आप सब में से कुछ लोगों ने तो इस मूवी को देखा भी होगा, जिसके बाद आप सबके मन में कई सवाल होंगे। इसलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे द नन मूवी के बारे में। बचपन में मुझे अजीब अजीब दृश्य दिखते थे और उन सबका ताल्लुक एक ही चेहरे से था, एक भयानक चेहरा। द नन मूवी 1952 के एक इंसिडेंट पर बनी है, जिसमें रोमानिया के एक चर्च में एक नन खुदकुशी कर लेती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो द नन मूवी को एक असली घटनाओं पर बनी मूवी मानते हैं, मगर ऐसा नहीं है। द नन एक फिक्शनल मूवी है और द नन मूवी की कहानी का असलियत से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या द नन में दिखाया गया डीमन वालाक भी एक फिक्शनल कैरेक्टर है? तो इसका जवाब है नहीं, वालाक एक फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है। माइथोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो वालाक एक बच्चा होता है जिसके एंजल जैसे दो पंख होते हैं और वो दो सर वाले एक ड्रैगन की सवारी करता है। कहा जाता है कि वाला की मदद से कोई भी छिपे खजाने को ढूंढा जा सकता है, लेकिन अगर वाला को बुलाने वाला कोई कमजोर इंसान होता है तो वाला उसकी जान ले लेता है। कुछ माइथोलॉजीज में तो वाला को नर्क का राजा भी बताया गया है, लेकिन फिर यहां एक सवाल यह उठता है कि क्या अगर वाला के एक बच्चे जैसा दिखता है तो मूवी में इसे एक डरावनी नन की तरह क्यों दिखाया गया है? क्या उस नन वाला का असल जिंदगी से कुछ लेना देना है? तो इसका जवाब है हां, लेना देना है। एक इंटरव्यू में द कॉन्जरिंग मूवी के राइटर डायरेक्टर जेम्स वान ने कहा था कि डरावनी नन का कैरेक्टर मूवी में असल में लॉरेन वॉरेन की साथ हुई एक घटना से इंस्पायर्ड था। लॉरेन वॉरेन के हिसाब से उन्हें अक्सर अपने घर में एक इस तरह की डरावनी नन दिखा करती थी, लेकिन लॉरेन वॉरेन के अलावा किसी और को ये डरावनी नन कभी भी नहीं दिखी थी। द कॉन्जरिंग मूवीज में हमें वालाक यानी कि ये डरावनी नन कई बार देखने को मिलती है, कभी एमिटेविल में तो कभी जैनेट के केस में। तो फिर यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या वालाक सच में इन केसेस से जुड़ी थी? तो इसका जवाब है नहीं। फिल्म के डायरेक्टर के हिसाब से फिल्म को और इंटरेस्टिंग और डरावना बनाने के लिए इस डरावनी नन के कैरेक्टर को ऐड किया गया था। इस नन का असल में इन केसेस से कोई नाता नहीं था, लेकिन फिर भी द कॉन्जरिंग यूनिवर्स की इस कैरेक्टर नन ने मूवी को और इंटरेस्टिंग और स्केरी बना दिया। तो अगर आपने द नन मूवी अभी तक नहीं देखी है तो जरूर अपने नजदीकी सिनेमा घरों में इसे देखें। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक और डरावनी कहानी के साथ। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी।